हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ न्यू टेक्निकल पे। और दोस्तों, आज एक रिकॉर्डिंग है, मैं डाल रहा हूँ, हीरो कंपनी की है, हीरो फिनकॉर्प की। और पर्सनल लोन इस पे मेरा चल रहा है दोस्तों। 2021 में लिया था मैंने, और इसकी ईएमआई है 4,156 रुपये की ईएमआई हर महीने रहती है। एक महीने मैं बीच में नहीं भी पेड भी नहीं किया है। एक ईएमआई हमारी पेंडिंग है, ये दूसरी ईएमआई भी हो गई थी, तो मैं मैंने कुछ दिया शुरुआत में। मेरे पास जब हो जाती है व्यवस्था तो मैं कर देता हूँ। सारी कंपनियों को तो कर नहीं पाता है इसका। मैंने 9 तारीख को 1,000 मैंने दिया था। मैं सीधे पेटीएम से जाते और लोन आईडी पे जाते मैं सीधे पेमेंट डाल देता हूँ, और 1,000 मैंने डाल दिया था। उसके बाद रिकवरी एजेंट एक कॉल भी आई पेमेंट के लिए। मैंने कहा हाँ, 1,000 मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर उसने कहा बाकी कब तक डालेंगे, तो हमने 30 तारीख को कहा था इनको कि हाँ 20 तक इंतज़ार करना, लेकिन उससे पहले ही इंतजाम हो गया। तो मैंने एक दिन और 2,500 और पेमेंट उसी तरह पेटीएम से लोन आईडी पर सीधे ट्रांसफ़र कर दिया था। अब दोस्तों बचा था 656 रुपये। कुछ हुआ भी ऐसा कि हाँ, फिर आगे व्यवस्था नहीं हो पाई। अब ये बेचारे फंस गए रिकवरी एजेंट। तो यहाँ देखिए सारा खेल चलता है दोस्तों। टारगेट का इन लोग को केस मिलते हैं, उसमें से कंपनी कहती है कि हाँ इतने केस आपको करने हैं, तब आपका टारगेट हर महीने का टारगेट रहता है केस के हिसाब से, इतने केस मिले उसका कितने परसेंट कुछ करने रहते हैं, ज़रूरी रहते हैं। प्राइवेट नौकरी की यही कहानी है दोस्तों। ये भी प्राइवेट ही हैं तो इनको भी टारगेट मिलता है, उतने केस करने रहते हैं। अब इस केस में मेरे वाले ने ये फंस गए बहुत बुरी तरह कि हाँ ये ना पूरा हो पाया और ना पेमेंट हुआ, ना अधूरे में रह गए बेचारे। 656 रुपये इनका पेंडिंग रह गया। तो ये सिम तड़प रहे थे कि हाँ क्या करें, ना दबाव बना पा रहे थे और न छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इतना करीब आ गया था, इनका टारगेट अधूरा रह जाता। और इस तरह में बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे ही बेचारे परेशान रहते हैं, टारगेट होता नहीं इनका। ऊपर से कंपनी टीएल के का डंडा रहता है, कंपनी के मैनेजमेंट का डंडा रहता है इनके ऊपर। इसने बहुत प्रेशर बनाया, बहुत कॉल किया, लेकिन नहीं काम बना। काम क्या बनेगा दोस्तों, जब भाई नहीं तो कहाँ से दिया जाए। तब फिर इन्होंने फिर एक मैडम से किसी बात करवाया, कोई सीनियर हो सकती हूँ, तो उनका कॉल आया। तो उन्होंने कुछ बातें कहीं, समझिए उन्होंने, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा अभी, मैं अटैच कर देता हूँ अभी इसको। इसमें उन्होंने साफ कहा कि हाँ इतना आपने 3,500 आप दे चुके हैं, 3,500। तो मैंने कहा भी कहा ये मैनेज किया व्यवस्था की है और नहीं मेरे पास, तो उन्होंने कहा ये भी मत देते, क्योंकि उनको उलझन हो रही थी कि हाँ 656 रुपये से उनका एक केस जो है पेंडिंग रह जाएगा, उनका टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये हुआ भले इसी वजह से, लेकिन एक सुकून मिला कि एक नस दबी, एक उनको उलझन हुई, परेशानी हुई कि हम पूरा केस भी इतनी मेहनत भी की है, इतना पेमेंट ले भी पाए, लेकिन केस पूरा नहीं हो पाया। कंपनी तो कहेगी कि हाँ ये केस आपका पेंडिंग है, वो मानेगी ही नहीं केस, कंपनी के इनके चढ़ जाएगा, टीएल इनके चढ़ जाएगा। तो साफ साफ उन्होंने कहा कि हाँ आपका तो काम अपना भी देते तब भी काम हो जाता, और अब कितना देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, और मेरा काम तो अटक गया, मेरा टारगेट नहीं हो रहा। तो आप सुनिए दोस्तों रिगार्डिंग, उसके बाद और फिर उसके बाद बातें करेंगे। हेलो मैडम, देखिए हेलो लाइन पे हैं मनोज जी। हेलो मनोज श्रीवास्तव जी। हाँ मैम। ये क्या आपका पेमेंट क्यों नहीं जमा हो रहा है? मैम अभी व्यवस्था नहीं है, और कैसे भी व्यवस्था नहीं है। नहीं हो 650 रुपये की व्यवस्था नहीं है आपके पास? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं।
तो फिर आपको ये भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर आप ही का काम निकल जाता है, लेकिन हमारा काम तो नहीं निकल पा रहा ना, क्योंकि आपका केस भी पेड नहीं हुआ, ठीक, और पेनल्टी आपकी लग रही है अभी भी, पूरी अमाई जब तक नहीं जमा होगी केस पेड नहीं होगा, और पेनल्टी लगती रहेगी, वो चाहे आप पूरा पेमेंट कर दें, एक रुपया भी कम होगा तो केस पेड नहीं होगा। मैं अभी जैसे हो जाएगा तो हम कर देंगे 30 के अंदर अंदर, अब नहीं है और 30 के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, आज की डेट में 600 रुपए है, 600 रुपए मैनेज करके करवाइए, नहीं तो बस 600 रुपए नहीं है, ये तो हम खुद ही लेके दिए हैं, व्यवस्था करके कहा है। नहीं, व्यवस्था आपने जहाँ तक बनाई है ठीक है, अब इतना जमा हो गया 3500 आपने कर दिया है, अब ये 656 रुपए शॉर्ट है, ये भी कर दीजिए ताकि आपका केस पेड हो जाए, पेनल्टी लग रही है, वो नहीं रुकेगी पेनल्टी। अब क्या करें, नहीं है मैम कहाँ कर देते, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था हो जाएगी, कर देंगे। हाँ तो व्यवस्था इसको बना लीजिए आज की डेट में, लेकिन कर दीजिएगा इसको पेमेंट, ठीक है। दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी और देखिए उनकी बातों से लगता है कि हाँ कोई जरूरी नहीं कि हाँ सारे केस ही रिकवर ही किए जाएं, कुछ केस परसेंटेज रहता है वो रिकवर करें, बाकी कंपनी से इतना नहीं रहता कि हाँ इतना ये लोग प्रेशर बनाते हैं, ये केवल अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने कस्टमर का हरेसमेंट करते हैं, गलत तरीके से प्रेशर बना के होम विजिट की धमकी देकर या होम घर पहुँच कर, केवल इनका मकसद ऐसा है अपने टारगेट को पूरा करना, इनको ग्राहक की परेशानी से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं कि हाँ कौन किसको क्या परेशानी है, वाकई दिक्कत है कि नहीं है, क्यों नहीं दे रहा है, इन सबसे इनका कोई मतलब नहीं, इनका केवल टारगेट रहता है कि हाँ मेरा किसी तरह से मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मेरा इंसेंटिव बन जाए, बस। अब इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, प्रेशर बना सकते हैं, अगर प्रेशर नहीं लेता कस्टमर तो फिर दूसरा ढूंढेंगे, जब लगेगा कि हाँ यहाँ दाल नहीं करनी तभी आपका पीछा छोड़ेंगे, और 30 को मैंने फिर कह दिया लास्ट तक, तो ये सोचते हैं यहाँ कितनी जल्दी क्लियर हो जाए, एक केस मेरा फुर्सत हो जाए कि हाँ टिक लग जाए कि हाँ पेड हो गया, मैं अगले केस पे काम करूँगी, इस तरह ये सोच इनकी रहती है, इसलिए आखिर तक ये केस को नहीं टाइम किसी को समय नहीं देते कि हाँ लास्ट तक समय दें। फिर आज 30 को भी आई डेट 30 को मैंने जो है, और ये मैडम यहाँ की नहीं थी, कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हैं, क्योंकि अदर अननोन नंबर जितने भी हैं मैंने ब्लॉक कर रखते हैं, किसी कॉल आती नहीं, इनका रिकवरी वाले का नंबर है मेरे पास, तो वहाँ से हो सकता है कॉन्फ्रेंसिंग करवा के इसने बात कराई हो एजेंट ने, जब एजेंट की दाल नहीं कर ली तो उसने वहाँ से बात करवाई, क्योंकि इसका एक केस छूटा जा रहा था केवल इतने छोटे अमाउंट के लिए, और 30 तारीख को आया दिन, तो उस दिन मैंने इनका भी नंबर ब्लॉक कर दिया, और 30 को मैं सब ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे, क्योंकि क्लोजिंग का दिन रहता है उस दिन, सब कहीं कहाँ से कब कौन फोन कर दे, क्योंकि पैसे रहते नहीं तो कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, इग्नोर कर दीजिए सबको। और उसके बाद ये आप ये क्या करते हैं, ये लोग इस तरह जब फंसते, जब इनकी फंसती है तो ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं अपने टारगेट के लिए, सकता है ये पैसा पेड भी कर दें, और करते भी हैं, कई बार हुआ भी है, मेरे साथ भी हुआ कि हाँ अपने टारगेट के लिए इन लोगों ने अपने ग्राहक की किस्त भी अपने पास से जमा कर दी, और ये सब प्राइवेट नौकरियों में ये सब चलता रहता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग उसको कहा जाता है, जब इनकी बिलिंग की डेट आती है इनको टारगेट पूरा करना रहता है, और जब बैंकिंग करनी रहती है जिस दिन, उस दिन ये पूरा पेमेंट जमा कर देते हैं, सोचते हैं कि हाँ वसूल लेंगे बाद में, और तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं, जिनके पास है पैसा कोई परेशानी नहीं है, वो तो पेमेंट कर दें और छुट्टी पाएँ, सब चीज़ों से किसी का लिया हुआ पैसा वापस ना करना गलत है अगर परेशानी नहीं है, हाँ अगर वाकई में परेशानी है, आपको दिक्कत है, आपको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो हो जब तक हो तब तक दीजिए, और ना हो तो रोक दीजिए, बिल्कुल कह दीजिए नहीं व्यवस्था हो पा रही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद दोस्तों।